नमस्कार शिक्षार्थियों, आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर परवीन शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर। आज के इस सत्र में हमारी चर्चा का विषय रहेगा श्रवण और वाचन के विकास में नाटक की भूमिका, अर्थात हम बात करेंगे कि श्रवण और वाचन ये दोनों कैसे कौशल हैं। अगर कक्षा कक्ष में हमें बालकों में इनका विकास करना है तो नाटक के द्वारा हम इनका विकास कैसे करेंगे। इससे पहले कि हम बात करें कि नाटक की क्या भूमिका है, थोड़ा सा हम संक्षिप्त रूप से पहले बात करेंगे कि श्रवण कौशल का अर्थ क्या है और वाचन कौशल का अर्थ क्या है। देखिए, किसी भी भाषा को सीखने में चार कौशल श्रवण वाचन पठन और लेखन सम्मिलित होते हैं। चारों ही कौशल आवश्यक हैं। हम यह नहीं कह सकते कि कौन सा कौशल दूसरे कौशल से महत्वपूर्ण है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने इनको क्रम में रखा है कि चारों कौशल में पहले श्रवण का विकास होगा, फिर वाचन का, उसके बाद पठन और लेखन। हाँ, ये बात अलग है कि श्रवण और वाचन ये दोनों कौशल साथ साथ चलते हैं। तो हम चर्चा करेंगे श्रवण और वाचन का क्या महत्व है, उनका विकास कैसे हो और उनके विकास में नाटक की क्या भूमिका है। पहले बात करते हैं श्रवण कौशल। SVJN के अनुसार श्रवण कौशल से अभिप्राय यह है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उच्चारण की हुई ध्वनियों, शब्दों, भावों और विचारों को कानों से सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया। इसको और भी अच्छे से समझाने का प्रयत्न करना चाहूँगी कि श्रवण कौशल का अर्थ हुआ जैसे एक व्यक्ति ने किसी भी ध्वनि का उच्चारण किया, किसी शब्द का उच्चारण किया, अपने कोई भाव या विचारों का प्रदान किया, तो आदान प्रदान ही भाषा को उसका स्वरूप प्रदान करता है। और जब श्रोता वक्ता की द्वारा प्रयुक्त की हुई इन ध्वनियों और शब्दों का अर्थ समझता है तो उसके बाद वो उसका अर्थ ग्रहण करने की योग्यता को अपने अंदर विकसित करता है। देखिए, अगर हम बहुत पहले आदि सृष्टि की बात करें, पाषाण युग की बात करें, तो मनुष्य के पास जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तो बात करने के लिए कोई चारा नहीं था। वो जो है किसी भी ड्रम को उसकी आवाज़ से, उसकी ध्वनि से एक दूसरे को बुलाकर अपनी जो है बात को बताता था। उसके बाद संकेत के द्वारा बुलाने लगा, लेकिन फिर भी जो अभिव्यक्ति है वो नहीं हो पाती थी, इसीलिए भाषा का आविष्कार हुआ। तो भाषा का आविष्कार, उसका सर्वप्रथम उद्देश्य हुआ कि मनुष्य अपने विचारों और भावों को आदान प्रदान कर सके। तो श्रवण का अर्थ हुआ कि जब एक व्यक्ति ने किसी ध्वनि का प्रयोग किया, कोई शब्द का प्रयोग किया, भाव या विचार प्रयोग किए, तो श्रोता उसको अच्छे तरीके से समझे। इसका मतलब वक्ता का भी ये कर्तव्य है कि अपनी बात को सहज और सरल और स्पष्ट तरीके से कहे, उसको जटिल बनाकर हमें नहीं कहना है। वाचन का अर्थ समझें। मानव जीवन की कुछ आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति अनिवार्य है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं तभी पूरी होंगी जब अपने भावों और विचारों के द्वारा हम अपने मन की बात कह सकें। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन की आवश्यकता पड़ती है। केवल हम कक्षा कक्ष की बात, पढ़ाई की बात ना करें तो भी हमें सामान्य जीवन के लिए, अपनी दैनिकचर्या निभाने के लिए वाचन की आवश्यकता पड़ती है। कुछ कहना पड़ता है, कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। वाचन अभिव्यक्ति का सहज व सरल साधन है। वाचन के द्वारा ही हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जिस व्यक्ति में वाचन का कौशल है वह अपनी बात कहकर श्रोताओं को तत्काल प्रभावित कर लेता है। लोकप्रिय नेताओं के भाषण इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि वाचन की कुशलता के कारण ही ये जन नेता हुए हैं, क्योंकि जब मनुष्य अपनी बात को अच्छे तरीके से कहता है, सही शब्दों का चुनाव करता है, तो वह श्रोता पर अपना प्रभाव डालती है और जो बात वक्ता कहना चाहता है उसमें श्रोता रुचि लेता है। इसका मतलब बोलते हुए वक्ता को ये ध्यान रखना है कि मैं कहाँ पर किसके लिए अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। अगर मैं कक्षा में हूँ तो मेरे बालकों का, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, उनका क्या स्तर है, वो प्राथमिक स्तर के हैं या उच्च स्तर के हैं। तो इस प्रकार वाचन वह कौशल हुआ जिसमें
कहने वाले को वक्ता को ये ज्ञान रहे कि मुझे किन शब्दों का प्रयोग करना है और मैं किस श्रोता को जो है संबोधित कर रहा हूँ, ताकि जो भी हम कहना चाहते हैं वो बात श्रोता के द्वारा ग्रहण की जाए। जैसे कक्षा में जब भी मैं पढ़ा रही होती हूँ या कोई जो परामर्श और निर्देशन के जो सत्र हैं उनमें जब मैं किसी को भी निर्देशन देते हुए बातचीत करती हूँ, तो सबसे पहले यही कहते हैं कि माना हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी बैठे हैं और अगर उनमें से 39 को हमारी बात समझ आ गई है, एक को समझ नहीं आई, तो हमें ये नहीं कहना कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आया, बल्कि हमें इस बात को अपने लिए चुनौती बनानी है कि ऐसा मेरे भाषण में, मेरे वक्तव्य में कहाँ कमी रह गई है जो अमुक बालक तक, अमुक श्रोता तक यह बात नहीं पहुँच पाई है। तो हमें अपना जो, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, हर बालक की अपनी अपनी जो हैं गुण हैं, तो उसकी ग्रहण शक्ति भी अलग अलग है, तो इसलिए हमें वो चुनौती अपने लिए रखनी है कि वक्तव्य ऐसा हो कि एक उस बच्चे को भी जिसको समझ नहीं आया है उसको हम कौन सी विधि से समझा सकते हैं। क्योंकि हर बालक की जो मानसिक स्तर है, बुद्धि का स्तर है, उसकी आयु है, या वो किस सामाजिक और आर्थिक स्तर से संबंधित रखता है, यह सारी बातें ध्यान रखते हुए हमें अपने वक्तव्य का निर्धारण करना है। दैनिक जीवन तथा उसके कार्यकलापों में वाचन का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति अपने परिवारजनों, मित्रों तथा साथियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करते समय वाचन कौशल का प्रयोग करता है, वह सभी को प्रभावित कर लेता है और साथ ही केवल प्रभावित ही नहीं करता, बालकों में निरंतर जिज्ञासा वृत्ति बनी रहती है। वे वाचन कौशल द्वारा प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। मैंने अभी आपसे बात की थी कि श्रवण और वाचन साथ साथ चलते हैं। कैसे कि हमने वाचन किया और इस प्रकार कोई बात कही, तो जब विद्यार्थियों ने, बालकों ने जिनको हम बता रहे हैं उनको समझ आया होगा अर्थ, तभी वो अपनी तरफ से अपनी जिज्ञासा या उत्सुकता को शांत करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो इसका मतलब जब हमारा वक्तव्य श्रोता को समझ आया तभी उसने अर्थ ग्रहण किया और उसका प्रश्न पूछा। अब वाचन कौशल की भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता है स्पष्टता। वक्ता को बोलते समय साफ एवं स्पष्ट परंतु सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो भी बात कहनी हो उसे साफ साफ कहना चाहिए। यदि कोई बात घुमा फिरा कर कही जाती है तो वाचन में अस्पष्टता उत्पन्न हो जाती है और श्रोता वक्ता के भाव को ग्रहण नहीं कर पाता। विशेषकर भाषा शिक्षक को स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इससे बालक तत्काल उसके भावों को ग्रहण कर लेंगे और वे स्वयं भी सहज, सरल, स्पष्ट भाषा का प्रयोग करने लगेंगे। तो पहली विशेषता वाचन कौशल की हुई स्पष्टता। चाहे हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, चाहे हम किसी भी सभा में बात कर रहे हैं, या किसी आगंतुक से बात कर रहे हैं, या हम बाजार में बात कर रहे हैं, सामान्य जीवन में बात कर रहे हैं, तो हमारी बात में स्पष्टता हो, वाचन कौशल की प्रथम जो विशेषता है वो स्पष्टता है। दूसरी विशेषता है स्वाभाविकता। वाचन कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता है स्वाभाविकता। दोनों में बनावटीपन न होकर स्वाभाविकता होनी चाहिए। भाषा शिक्षक का कर्तव्य है कि वह स्वयं भी स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति करे, यानी किसी प्रकार का भी बनावटीपन ना हो, क्योंकि हमने बड़े सरल सहज रूप में बालकों को सीखने के लिए तैयार करना है। और अभी हम तो बात करेंगे कि खेल खेल में, नाटक नाटक खेलते हुए बच्चे श्रवण और वाचन कैसे सीखेंगे, तो हमने बनावटीपन का बिल्कुल माहौल नहीं पैदा करना है, स्वाभाविक रूप से बात कर रहे हैं। फिर अब बोधगम्यता। वाचन में सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इससे वाचन में कुशलता उत्पन्न होती है। यदि वक्ता ने कुछ कहा तो श्रोता को समझ आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं शुद्धता की। बोलते समय शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षक को स्वयं भी शुद्ध उच्चारण पर बल देना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि अंग्रेजी भाषा, जिसको हम अपनी द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, उसका वैश्विक स्तर पर तो महत्व है, लेकिन उसका एक
गलत प्रभाव क्या रहा है, हमारी हिंदी जो है वो शुद्ध भाषा ना रहकर बहुत सारे जो शब्द हैं वो आंगल भाषा के प्रयुक्त हो गए हैं, और हमारी जो उच्चारण है हिंदी का उच्चारण वो भी त्रुटियों से भरा हो गया है। तो अध्यापक को शुद्धता पर ध्यान रखना है कि अध्यापक का स्वयं का उच्चारण शुद्ध हो, क्योंकि ये जाहिर है कि जैसा अध्यापक बोलेगा विद्यार्थी उसी का अनुसरण करेंगे। फिर बात आती है मधुरता। सामान्य सी बात है कि जब हम मधुरता से बात करते हैं तो हमारे संवाद में मिठास होती है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वक्ता अपनी बात जो श्रोता को कहना चाहता है श्रोताओं के मन में एक आनंद की अनुभूति होती है, वो उसमें रुचि लेते हैं और ऐसा लगता है कि कहीं हमारे मन की बात वो पूरी हो रही है। जब हम कर्कश और कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं तो माहौल भी खराब हो जाता है। तो कर्कश और कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। केवल कक्षा कक्ष की ही बात नहीं है, हम सामान्य जीवन में भी अच्छे शब्दों का, प्यारे शब्दों का, मधुर बातों का प्रयोग करके अगर हम बात करते हैं तो सामने वाले को अपना मित्र बना लेते हैं और उसका दिल जीत लेते हैं और जो काम कराना है वो काम भी संभव हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम कर्कश और कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अगर सामने वाला काम करने को भी तैयार होगा तो हो सकता है क्योंकि हमने उसके मन को ठेस पहुंचाई है तो वो काम करने से मना भी कर देगा। तो हमारे संवाद की, हमारे वाचन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए मधुरता। जहाँ शुद्धता, स्वाभाविकता, स्पष्टता है, वहीं जो है मधुरता एक अच्छा गुण है बच्चों के लिए। अब नाटक कोई नई चीज़ नहीं है। अब हम बात करेंगे कि श्रवण का हमें पता लग गया क्या है और वाचन का पता लग गया, और ये भी आवश्यक है कि हमने बच्चों का भाषा विकास करना है, भाषाई गुण सिखाने हैं, भाषा पर आधिपत्य उनका हो, अपनी बात वो दूसरों को कह सकें, इसके लिए हमने नई नई क्रियाएं खोजनी हैं। तो आज इस क्रिया की कौन सी की हम बात करेंगे? बात करेंगे नाटक की, कि श्रवण और वाचन को नाटक के द्वारा किस प्रकार से विकसित करते हैं। तो नाटक कोई नई चीज़ नहीं है। हम अक्सर बच्चों को कार्टून या फिल्म के पात्रों की नकल करते देखते हैं, मम्मी पापा की नकल करते देखते हैं। इस तरह से बच्चे खेल खेल में किसी की नकल उतारते हैं, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, बहाने बनाते हैं। इस तरह रोज़ ही बच्चे किसी ना किसी रूप में खेल खेल में, घर में, विद्यालय में या खेल के मैदान में या अपने सांस्कृतिक रंगारंग प्रोग्राम में, कहीं भी जहां भी बात कर रहे हैं तो एक तरह से नाटक करते रहते हैं, दूसरे पात्रों का जो है नकल करते रहते हैं। हर बच्चे में एक ही नाटकीय कौशल होता है, लेकिन उन्हें कक्षा में इस कौशल का प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलता। इसका कारण यह भी है कि नाटक अभिनय जैसी गतिविधियों को विद्यालय में वार्षिक उत्सव या किसी विशेष अतिथि के सामने प्रदर्शन करने के लिए ही करवाया जाता है। इस स्थिति में भी संवाद शिक्षकों द्वारा लिखे जाते हैं तथा प्रदर्शन के समय बच्चों से गलती हो जाती है। अभी मैंने आपसे बात की थी कि बच्चा खेल खेल में माता पिता की, अध्यापक की या किसी दूसरे की मजाक मजाक में नकल उतारता है, वही नाटक हुआ। तो नाटकीय कौशल तो बच्चे के अंदर है, लेकिन सामान्य रूप से उनकी उस क्रियाओं को, उसकी उस सृजनात्मकता को, उसकी कल्पना शक्ति को दबा दिया जाता है। और नाटक केवल जब विद्यालय में कोई विशिष्ट फंक्शन होता है, कोई विशेष अतिथि आता है, उसके लिए तैयार कराया जाता है, और जब समाज शिक्षक द्वारा लिखे जाते हैं और बच्चा उनको रटता है तो गलतियों का होना स्वाभाविक है। क्योंकि हमने अभी आपसे बात की है कि हमारे वाचन में स्वाभाविकता हो, जो बात हम जैसे रोज़ कर रहे हैं वैसे ही हो। तो इसके लिए एक तो हमारे चारों तरफ, चाहे हमारे माता पिता या जहाँ भी हम समुदाय में, समाज में जो भाषा सुन रहे हैं, अगर चारों तरफ शुद्ध भाषा का प्रयोग होगा तो बालकों में भी वही जो है भाव आएगा, वो गलत
नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने सुना ही सही है। तो इसके लिए ही मैं बात कर रही थी कि जो बहुभाषाई प्रदेश है हमारा, और विशेष रूप से जो आंग्ल भाषा का प्रभाव है, उससे हमारी हिंदी काफ़ी हताहत हुई है। तो जब केवल विद्यालय में किसी विशिष्ट जो है फंक्शन पर, विशिष्ट समारोह पर, किसी विशिष्ट अतिथि के आने पर ही नाटक कराया जाता है, तो जब संवाद अध्यापक द्वारा लिखे हुए हैं, तो बच्चा जब रट के बोलता है तो प्रदर्शन करते हुए गलती हो जाती है, और वो आवभाव से कभी एकदम से गलती होते ही अपने मुख पर हाथ रख देता है, या वो क्षमा करना ऐसे बोल देता है। उससे जो श्रोता हैं या जो सामने देखने वाले दर्शकगण हैं, उनको एकदम से पता लग जाता है कि गलती हो गई है, जिसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि अध्यापक जो है केवल इसको बनावटीपन ना देकर सहज भाव से कक्षा कक्ष में उनको ऐसे अवसर देता रहे। अभिनय को रोज़मर्रा की कक्षा गतिविधि के रूप में प्रयोग करना इससे बहुत अलग है। जैसे अभी हमने आपसे बात की थी कि जब किसी विशेष समारोह पर जो कोई भी ऐसा नाटक तैयार करा जाता है, एक तो उसका दोष ये रहता है कि जो बहिर्मुखी बच्चे हैं या कुछ ही चुनिंदा बच्चे हैं जो उसमें भाग लेते हैं और रटा रटाया उनको याद कर लेते हैं, लेकिन जब इसको रोज़मर्रा की तरह कक्षा गतिविधि के रूप में प्रयोग करना है तो ये उस तैयार किए हुए नाटक से एकदम अलग है, क्योंकि इसमें हमें स्वाभाविक रूप से ऐसा वातावरण देना है कि जैसे अपने बच्चे जो है अपने मन की बात कर रहे हैं। एक भाषाई गतिविधि के रूप में नाटक में दो बातों को सम्मिलित करना आवश्यक है। कौन सी दो बातें हैं? प्रथम है स्वतंत्रता और दूसरी है आनंद। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो देखिए, अभी हमने बात की थी कि बच्चों में अगर हमें सृजनात्मकता का और उनकी कल्पना शक्ति का विकास करना है तो उन्हें हमें स्वतंत्रता देनी होगी। जब हमने ये बता दिया आपको यही बोलना है ऐसे बोलना है, तो उनके पास स्वतंत्रता नहीं रही। हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए जो स्वतंत्रता है वो स्वच्छंदता का रूप ना ले ले और बच्चे अनुशासनहीन ना हो जाएं, तो उनको बताया जाए कि कहाँ पर इसकी सीमा निर्धारित है। तो स्वतंत्रता जो है वो सृजनात्मकता की पहली शर्त है। दूसरी है आनंद। अगर हम आनंद की बात करें और किसी से, किसी भी वयस्क व्यक्ति से, बालक से, बड़े से, बूढ़े से, किसी से भी पूछेंगे, अनपढ़ से, पढ़े लिखे से, ग्रामीण से, शहरी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि जीवन का क्या उद्देश्य है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अगर हम प्रश्नों की तह में जाएं तो अंतिम उत्तर आएगा कि जीवन का उद्देश्य है आनंद प्राप्त करना है। और अगर हम इस पहलू की बात करें, देखें रोज़ की भाग दौड़ की और मुकाबले की और प्रतिस्पर्धा की और एक दूसरे को अपने से पीछे छोड़ने की जो इस तरह की ये दौड़ लगी हुई है, उसमें मनुष्य के पास आनंद के लिए समय नहीं है। तो जब हम नाटक की बात कर रहे हैं तो नाटक में दो बातें आवश्यक हैं। एक तो बच्चों को स्वतंत्रता हो। किस चीज़ की स्वतंत्रता? कि उनको कैसे जो डायलॉग हैं वो बोलने हैं, क्या बातें करनी है, क्या संवाद बोलना है। दूसरा, उनका आनंद और रुचि बनी रहनी चाहिए, कि अगर रुचि नहीं होगी तो बच्चे उसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि हमने बच्चों के लिए ही तो ये क्रियाएं की हैं। तो ये दो बातें हम आवश्यक रूप से ध्यान रखेंगे। ध्यान रहे, हम बात कर रहे हैं श्रवण और वाचन विकसित करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, और हम इन क्रियाओं को नाटक के द्वारा कैसे विकसित कर सकते हैं। अब इन नाटक को कक्षा गतिविधि के रूप में प्रयोग करना बहुत अलग है। नाटक को कक्षा में करवाने के लिए शिक्षक और बच्चे को कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती। बस शिक्षक को इतना करना होता है कि वह बच्चों को स्वाभाविक रूप से अपने अनुभवों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करे। देखिए, कोई तैयारी नहीं करनी है, अध्यापक ने संवाद नहीं लिखने हैं, बच्चों ने संवाद याद नहीं करने से, जैसे साधारण रूप से बात करी कि कल आपने सायंकाल क्या किया, बच्चा बताएगा कि मैं माताजी के साथ बाजार गया, वहाँ मेला लगा हुआ था, हमने बड़ी सारी वस्तुएं खरीदी, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। तो जो बच्चे ने देखा, जो किया, वही बात वो आपसे अपने जो है भावों को
बांट रहा है, तो कोई स्वाभाविक रूप है उसको कुछ याद नहीं करना पड़ा है। हमने उनको कहा है आप अपने अनुभवों के बारे में बातचीत करें, जैसे 2 महीने की ग्रीष्मकालीन की छुट्टियां हुई हैं समाप्त और उसके बाद सभी बच्चे विद्यालय में आए हैं, तो हम केवल साधारण रूप से प्रत्येक बच्चे से पूछ रहे हैं बताइए 2 महीने में आप कहाँ गए, तो बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। कोई बच्चा कहेगा हम तो शिमला गए थे, कोई कहेगा हम तो उदयपुर गए थे, हमने ये देखा हमने वो देखा, तो इस तरह बच्चे खूब बढ़ चढ़ कर बताएंगे हमने ऐसा खरीदा हम वहाँ गए थे, तो खुशी खुशी से वो अपने अनुभवों को आपसे बांटेंगे और उनको कुछ याद करना नहीं पड़ रहा, जो देखा है जो किया है वो बात कर रहे हैं। तो वही कक्षा कक्ष में हमने ध्यान रहे अभी बात कर रहे हैं कि केवल हमने नाटक या स्वाभाविक रूप से इन अनुभवों को के बारे में बात करने के लिए बच्चों को किस लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि उनकी वाचन क्रिया और श्रवण क्रिया ये दोनों ही कौशल विकसित हों। केवल बात कर रहे हैं कि यहाँ हम कोई व्याकरण नहीं सिखा रहे हैं, कोई हम बनावटीपन यहाँ पर उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, हमने उनको एक वातावरण देना है, हमने उनको प्रोत्साहित करना है जिससे वो अपने अनुभवों के बारे में बातचीत कर सकें। क्योंकि देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, कुछ बालक स्वभाव से ही प्रारंभ से ही बहिर्मुखी होते हैं और कुछ बच्चे बड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं, झिझकते रहते हैं, पीछे बैठते हैं और बड़े अंतर्मुखी होते हैं, तो हमने अलग अलग क्रियाएं करनी हैं। जैसे हम रोज़ ही सामने वाली पंक्ति में कुछ विशिष्ट बच्चों को ना बैठने देकर हम उनको रोल नंबर के हिसाब से बैठेंगे और एक एक बच्चे की सीट, जैसे आज यहाँ 1 रोल नंबर है, तो पीछे पीछे उनको करते जाएंगे जिससे सभी बच्चों को आगे बैठने का भी अवसर मिलेगा और साथ ही उनको ये लगेगा कि मनोवैज्ञानिक रूप से उनको अच्छा भी लगेगा कि अध्यापक सभी बालकों को बराबर प्रेम कर रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं कर रहा। तो हमने एक स्वाभाविक क्रियाएं करनी हैं जिससे बालक खेल खेल में अपने अनुभवों को बता रहा है। कोई भी विशिष्ट हमने बात नहीं की, हमने ये नहीं कहा कि आप इस विषय पर बात कीजिए, जो हमने आपको प्रस्ताव लिख के लाने को कहा था उसके बारे में बात बताइए या विज्ञान के लाभ हानि बताइए जिससे कि बच्चे को कुछ याद करना पड़े, या हम कहें भारत एक लोकतांत्रिक देश है इसके बारे में आप अपने विचार बताइए, तो बच्चे को सोचना पड़ेगा और वो सहम जाएंगे। लेकिन हमने तो ये बात की है कि छुट्टियों में आप कहाँ गए थे, कल शाम को आपने क्या किया, जब हमने ये प्रश्न पूछा हमारा वाचन उनको समझ आया, उन्होंने श्रवण किया, उसका अर्थ ग्रहण किया, सुना समझा, और जब उन्होंने हमारी बात को समझा तो उन्होंने अपने अनुभवों को बताना प्रारंभ किया। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि श्रवण और वाचन दोनों कौशल दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। प्राथमिक स्तर पर तो अभिनय के लिए किसी भी ऐसी घटना कहानी या कार्टून को लिया जा सकता है जो बच्चे अपने आसपास देखते हैं, जैसे कोई जानवर, उसकी चाल, उसका रंग आदि। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो छोटे छोटे समूह में खुद ही नाटक का विषय चुनें, खुद ही उसके संवाद लिखें एवं अभिनय करें। साथ ही बच्चों को पारंपरिक खेलों व लोक कथाओं का अभिनय करने के लिए उत्साहित करना चाहिए, जिससे उनमें सृजनात्मकता के विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक वातावरण से भी जुड़ाव हो। जैसे दोबारा से इसको और स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हमारे पास बहुत छोटे बच्चे हैं उनका वाचन हमने विकसित करना है, तो हम जैसे उनको कहेंगे अच्छा देखिए कल हम सारे जो है चिड़ियाघर गए थे, आपने कौन कौन से जानवर देखे, बच्चे उछल उछल कर बताएंगे हमने हाथी देखा हमने शेर देखा, फिर हम कहेंगे अच्छा वो कैसे चलता है, उसका रंग कैसे है और आपने क्या देखा, तो बच्चों को कुछ याद नहीं करना। फिर जैसे जैसे बच्चों का स्तर बढ़ता जाएगा तो हमारा जो नाटक का जो स्वरूप है या जो हमारी क्रियाएं हैं जो हमारा उद्देश्य है उसको सफल बनाने के लिए उसको पूरा करने के लिए हम अपना स्तर भी उनसे पूछने का जो स्तर है वो बढ़ाते जाएंगे। बच्चों को हम छोटे छोटे समूह में भी बांट सकते हैं, फिर हम उनको कहेंगे अपना नाटक का विषय चुनें और बच्चों को कहेंगे आप ही संवाद लिखें, आप ही अभिनय करें, आप ही बताएंगे कौन इसमें राजा का पात्र जो है चित्रित करेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन प्रजा बनेगा। तो इस तरह हम बच्चों को ही बताएंगे कि आपने ही तो नाटक लिखना है, आपने संवाद लिखने हैं, आपने ही पात्रों का निर्णय लेना है, स्वयं अभिनय करेंगे। साथ ही साथ बच्चों को पारंपरिक जो खेल हैं लोक कथाएं हैं जिस भी हम राज्य में रह रहे हैं या पूरे देश के हम
उनको प्रांत वाइज अलग अलग लोक कथाएँ उनको हम पढ़ाएंगे, उनको सुनाएंगे और खेल खेल में फिर उनको बताएंगे कि आज उस लोक कथा को हमने, जो भी त्यौहार आता है उसको जब हम मना रहे हैं तो बच्चों को हम उत्साहित करेंगे कि इसको हम नाटक के रूप में कक्षा में करेंगे, जिससे उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा। और साथ ही साथ देखिए, श्रवण और वाचन तो विकसित करा दिया, बच्चों का मनोरंजन भी कर दिया, कक्षा में क्रिया भी हो गई, हमने पढ़ा भी दिया और साथ ही हमने उनको अपने देश के सांस्कृतिक वातावरण के बारे में बता दिया, जिससे वो अपनी मिट्टी के साथ, अपने सांस्कृतिक वातावरण के साथ, अपने पर्यावरण के साथ एक अपनापन महसूस करने लगे और उनका उसके प्रति जुड़ाव हो गया। तो इस प्रकार से कुछ और सह शैक्षणिक गतिविधियां हैं जिसमें हम नाटक किस प्रकार से करा सकते हैं। जैसे कोई हम मनोरंजक विषय चुन सकते हैं, जैसे बच्चों को कहेंगे, अच्छा आप बताइए, अगर मैं जादूगर होता तो इस पर आप क्या बोल सकते हैं। तो बच्चे बढ़ चढ़ कर बताएंगे कि कुछ दिन पहले उन्होंने जादूगर का एक तमाशा देखा या उन्होंने टेलीविज़न पर जादूगर का कोई खेल देखा। तो बच्चों को कहा, अगर मैं जादूगर होता, तो बच्चे बढ़ चढ़ कर बताएंगे, मैं ऐसे करता, मैं वैसे करता। या और भी दिलचस्प उनको विषय दें, अगर मुझे अलादीन का चिराग मिल जाता, तो बच्चे जो है अपनी मनपसंद बातें करेंगे। कोई कहेगा मुझे सर्दियों में विद्यालय नहीं जाना पड़ता, कोई कहता मैं पंख लगाकर राजस्थान पहुंच जाता, कोई कहता मैं पंख लगाकर पेरिस पहुंच जाता। तो जिसके मन में जो भी बात होगी, वो मुझे अलादीन का चिराग मिल जाता तो क्या होता कि मैं जज बनना चाहती हूँ, मैं एकदम से जज बन जाती, मैं प्रिंसिपल बन जाता। जो भी जिसके मन में बात होगी वो मनोरंजक विषय है और बच्चे बढ़ चढ़ कर इसका वाचन करेंगे। फिर कहेंगे एक और विषय पर कि अगर मैं नेता होता, तो जो बहिर्मुखी बच्चे हैं वो इस विषय पर बोलना बहुत पसंद करेंगे। अगर मैं शिक्षक होता, जो यहाँ भी कुछ बहिर्मुखी बच्चे की, मैं शिक्षक होता तो अपने जो पढ़ाने के विधियाँ हैं उनमें ये सुधार करता, जिस बात से उनको लगता है कि शिक्षक पढ़ा रहा है और वो सुझाव शिक्षक को नहीं दे पाते। जब हमने ऐसा विषय चुना कि अगर मैं शिक्षक होता तो वो जो कहना चाहते हैं वो बात अपने मन की कह पाते। इसीलिए बात की थी कि माता पिता और शिक्षक इस तरह के छोटे छोटे तो नाटक अभिनय बच्चे करते रहते हैं। जैसे कि हम कोई जन्मदिन मना रहे हैं तो वो पर्चियाँ बाँट कर खेलते हैं, तो जिस बच्चे के पास ज़्यादातर आता है कि मम्मी का जो है अभिनय करें, तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि मम्मी कहती है पैसे पेड़ पर नहीं लगे हैं, कहाँ से दे दूँ। तो इस तरह बच्चे जो हैं मनपसंद या उनके जो अक्सर कहे हुए चुनिंदा जो डायलॉग हैं उन्हीं बातचीत को वो दोहराते हैं। तो ये एक ऐसी शैक्षणिक गतिविधि है, बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है और जो हमारा उद्देश्य है कि बच्चों में वाचन क्रिया और श्रवण क्रिया का विकास करना है, वो भी हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। फिर है वाद विवाद प्रतियोगिता। कुछ वाद विवाद प्रतियोगिता कर सकते हैं कब, जब बच्चों का थोड़ा सा स्तर उच्च हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि उद्योग वरदान या अभिशाप, या जो साइंस है वो वरदान या अभिशाप, या फास्ट फूड बनाम स्वास्थ्य। तो बच्चे जो हैं, जैसे हमें आजकल मालूम है कि बच्चे फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं जिससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है, तो हम एक वक्तव्य शिक्षक के रूप में ना देके कि बच्चों हमें अच्छा भोजन खाना चाहिए, संतुलित भोजन खाना चाहिए, फास्ट फूड जो है हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करता है, जब अध्यापक ऐसा वक्तव्य दे रहा है तो बच्चे नहीं सुनेंगे इतने अच्छे से। लेकिन जब बच्चों में वाद विवाद प्रतियोगिता रख देंगे तो बच्चे खेल खेल में बताएंगे, हाँ मैंने उस दिन बाहर का खाना खाया था, मेरे पेट में दर्द हो गया था, फिर मुझे मम्मी डॉक्टर के लेके गई तो डॉक्टर ने कहा आपको संतुलित साफ सुथरा भोजन खाना चाहिए। इस तरह जो छोटे बच्चे हैं वो छोटे छोटे संवादों के द्वारा अभिनय करके बताएंगे। तो अपना मनपसंद विषय चुनेंगे, कोई और भी विषय चुनकर हम कक्षा कक्ष में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करवा सकते हैं। जब वे इसमें सुनेंगे बोलेंगे तब वे अपने विचारों एवं बोलने में संबंध बिठा पाते हैं। देखिए इस बात को सुनिए, विचारों में और बोलने में संबंध बैठाना बहुत आवश्यक है। अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो
हमारे मन में हिंदी में ही विचार आते हैं और हमें हिंदी में ही बोलना है, लेकिन जब हमारी द्वितीय भाषा है, मैं पिछले दिनों आपसे बात कर रही थी द्वितीय भाषा की, उसमें क्या त्रुटि रह जाती है कि जब हमारे मन में विचार हिंदी में आते हैं और हम उनको अनुवाद करके अंग्रेज़ी में बोलते हैं तो इसमें समय लग जाता है और सामने वाले को पता लग जाता है कि हमारे विचारों में और बोलने में सामंजस्य नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ कि विचारों में एवं बोलने में सामंजस्य और संबंध बिठाना आवश्यक है और फिर उनको व्यवस्थित क्रम में जमाते हैं। इसी प्रकार प्रभावी वक्ता एवं कुशल श्रोता बनते हैं। अब आप कहेंगे वक्ता तो प्रभावशाली, ठीक है, अब कुशल श्रोता बनने से क्या अभिप्राय है? कुशल श्रोता, इसका अर्थ हुआ कई बार या ज़्यादातर हम अच्छे वक्ता इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि हम अच्छे श्रोता नहीं हैं। जैसे ही कोई बोलना शुरू करता है हम उसको सुनते कम हैं और हम अपना बोलना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों में ये जो धैर्य है, ये कौशल अध्यापक ने, माता पिता ने और बड़े व्यक्तियों ने बच्चे के अंदर विकसित करना है कि धैर्यपूर्ण सुनना हमारा जो वाचन क्रिया है उसको प्रभावशाली बनाता है। दूसरों के विचारों का सम्मान करने की आदत भी डालें। जब हम धैर्यपूर्वक किसी वक्तव्य को सुन रहे हैं तो इसका मतलब हम उनके विचारों का सम्मान कर रहे हैं। अब शुद्धता या धारा प्रवाहिता की बात करें तो सभी व्याकरण एवं शब्दावली का प्रयोग शुद्धता कहलाती है। प्राथमिक स्तर पर यह क्रम होता है। हमें पता है बच्चा हर स्तर पर गलती करते हुए सीखता है। बच्चों की ये गलतियाँ सीखने में तो सहायक होती हैं, साथ ही वे गलतियां करते हुए भाषा के नियमों का पालन कर रहा होता है। जैसे एक 3 साल का बच्चा अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए बोलता है माँ कार चाहिए, बच्चा जानता है हर वाक्य के अंत में है बोला जाता है तो कहेगा मम्मी कार चाहिए है, इसलिए वो चाहिए के बाद है का प्रयोग करता है। अब इसको भाषाई नियम की बात करें तो चाहिए अपने आप में एक सहायक क्रिया है, जबकि ऊपर के वाक्य में एक मुख्य क्रिया है और चाहिए के साथ दूसरी सहायक का प्रयोग था के रूप में भूतकाल में किया जाता है। मुझे वहाँ जाना चाहिए था, परंतु भले ही बच्चा इस नियम से परिचित ना हो परंतु वो इसका प्रयोग करता है, उसको लगता है कि मेरी बात प्रभावशाली बन रही है कि मुझे कार चाहिए है। तो भाषाई नियम की बात यहाँ नहीं कर रहे। भाषा प्रवीणता के संदर्भ में प्रवाहिता का अर्थ उस क्षमता से है जिसके द्वारा बालक सहजता के साथ पढ़ लिख कर अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए। इसमें स्पष्ट है कि व्याकरणिक गलतियों की बजाय अर्थ पर ध्यान दिया जाए। आज शिक्षकों के सामने एक बड़ी दुविधा है, वे बच्चों के साथ इन दोनों में से किस पर अधिक ध्यान दें। शिक्षक शुद्धता पर ध्यान देते हैं, इसके लिए वे बार बार बच्चों की जाँच करते हैं। अधिकतर कक्षाओं में बच्चों की गलती सुधार के अवसर कम दिए जाते हैं। परीक्षा केंद्रित पद्धति इसी शुद्धतावादी विचार से प्रभावित है। और भी खुलकर बात करें कि अध्यापक की भूमिका क्या रहेगी। अध्यापक की स्वयं की भी रुचि नाटक में हो तो वो अच्छे से करा पाएगा नाटक। अध्यापक को नाट्यकता का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नाटक का चुनाव बालकों की आयु, मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के अनुसार होना चाहिए और नाटक पढ़ाते समय बालकों को सक्रिय रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अध्यापक को उचित भावानुसार हाव भाव प्रदर्शित करते हुए नाटक का आदर्श वाचन करना चाहिए। नाटक में आए कठिन स्थलों की व्याख्या छात्रों के सक्रिय सहयोग से करनी चाहिए। बालकों की कल्पना शक्ति को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार भी सहानुभूतिपूर्ण हो। नाटक शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व कक्षा में उचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ये भी अध्यापक पर निर्भर करता है कि वो बच्चों की उत्सुकता को कैसे बढ़ाए। नाटक के बारे में निर्देशन देते समय पूरी कक्षा पर दृष्टिपात करते रहना चाहिए ताकि सभी बच्चों का ध्यान अध्यापक की ओर बना रहे। बालकों की नाटक में रुचि विकसित करने के लिए विद्यालय में नाटक प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाते रहना चाहिए। पहले नाटक की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कर देना चाहिए। नाटक प्रारंभ करने से पूर्व बालकों को नाटक का भी परिचय दें तो साथ साथ नाटककार के बारे में बताएं। नाटक के पात्रों एवं चरित्र की स्पष्ट रूपरेखा खींचनी चाहिए। उच्च स्तर पर जब हम नाटक निर्देशन के द्वारा करवाते हैं तो बालकों से प्रश्न पूछकर यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने नाटक को कितना समझा है।
किसी परिस्थिति विशेष में बालकों को अन्य व्यक्ति की भूमिका निभाने को कहें, कोई भी उनको कहें कि जिस पात्र की परिस्थिति, भावनाएं और विचार लिखे हैं उन पर उन्हें बोलना है। दूरभाष वार्तालाप को भी अभिनय के द्वारा नाटक का रूप दे सकते हैं। जैसे वे रेलवे स्टेशन पर अपने माता पिता के साथ कहीं जाने के लिए खड़े थे, तब उन्होंने वहाँ दो व्यक्तियों की वार्तालाप को सुना और आकर कक्षा कक्ष में मजे ले लेकर नाटक करके दिखाया। नाटक में पहले अध्यापक किसी विषय पर स्वयं अभिनय करके दिखा सकता है, फिर बालक उस नाटक को तैयार कर सकते हैं। अभिनय कार्ड पर छोटे पद या वाक्य लिख सकते हैं जिन्हें बालक संकेत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किसी दूरभाष वार्तालाप को नाटक का रूप दिया जा सकता है। जैसे आप पूछते हैं, मुझे VSP के विद्यालय रोहिणी सेक्टर 13 में जाना है, तो दूसरा वक्ता उसी वक्त आपको उसकी जगह सही बताएगा कि वह सेक्टर 13 में बच्चों के पार्क की विपरीत दिशा में है। उसके पास ही भगवती अस्पताल है, वहाँ पास में ही दूरभाष कार्यालय भी है। यानी कि भाष पर किसी से हमने पूछा, भाई मुझे अमुक विद्यालय में पहुँचना है जिसका नाम VSPK है 13 सेक्टर में, तो वक्ता से जिससे आपने पूछा उसने आपकी बात सुनी, समझी और आपको बताया कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पार्क के विपरीत दिशा में विद्यालय है और वहीं पर भगवती अस्पताल है और वहीं पर दूरभाष कार्यालय भी है। इस प्रकार कोई भी बात नाटक के रूप में करके बच्चों में सुनने, समझने और बोलने की क्षमता विकसित होती है। क्योंकि अभी मैंने आपसे बात की थी कि हम वाद विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित कर सकते हैं या हम किसी भी प्रकार से कोई भी उनको अभिनय करने को कह सकते हैं। छुट्टियों में आप कहाँ गए थे, जैसे अभी मैंने बात की कि बच्चों के साथ जो है बच्चे माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गए, वहाँ उन्होंने क्या देखा वो बताएंगे। वहाँ दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे कि जो जहाँ पर टिकट मिल रहे थे वहाँ टिकट ख़त्म हो गई थी, एक व्यक्ति को जल्दी जाना था तो बार बार उनके बीच में वार्तालाप हो रही थी कि मुझे आज की ही टिकट चाहिए, तो उसको वो अभिनय कर करके बताएंगे। इस तरह से साधारण सी बात है, कोई संवाद हमें उनको लिखकर नहीं देने हैं। अंत में कुछ सुझाव हैं कि हमने प्राथमिक स्तर पर तो खेल खेल में उनसे अभिनय कराना है, अनुभव बांट रहे हैं वो, फिर थोड़ा सा जब स्तर बढ़ जाता है, जब हम उनसे नाटक आयोजित करवाते हैं तो दृश्य का प्रसंग बताया जाए, सारी सूचना प्रदान न करें। नाटक के लिए कक्षा कक्ष में 2 या 3 समूह बना सकते हैं। पहले उन बच्चों से करा लें जो बहिर्मुखी हैं, बाद में दूसरे बच्चे जो अंतर्मुखी हैं वे भी प्रेरित होकर बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। इस प्रकार नाटक से बच्चों में सुनने और बोलने की क्षमता आवश्यक रूप से बढ़ती है। तो ऐसा मेरा मानना है कि जो हम श्रवण और वाचन कौशल को विकसित करने के लिए नाटक की भूमिका के बारे में बात कर रहे थे, सभी को इस बात की अब जानकारी हो गई होगी कि श्रवण और वाचन को विकसित करने के लिए नाटक की क्या भूमिका है, बालक इसको कैसे सीख सकते हैं और अध्यापक की भी इसमें क्या भूमिका रहेगी। धन्यवाद।